ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस टाइम देखो लगातार कितने पर्व आ रहे हैं। अभी एकादशी आ रही है, फिर प्रदोष आएगी, फिर मासिक शिवरात्रि आएगी। तो आज इस पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा कि भोलेनाथ को कौन सी चीज़ को अगर हम चढ़ा दें किसी भी विशेष दिन, तो महादेव आपकी जो भी इच्छाएँ होती हैं पूरी ज़रूर करते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा कि आपको क्या समर्पित करना चाहिए, ठीक है? बहुत ही विस्तार से बताऊँगा, सिर्फ सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक? चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दही, है ना? यहां पर लिखा हुआ है कि दही को चढ़ाने से क्या होती है, लड़ाई खत्म होती है। तो बिल्कुल सही लिखा है कि अगर आप महादेव के शिवलिंग के पास यानी शिवलिंग के ऊपर ले जाकर के दही का लेपन करते हैं, और आपको यह कहना होगा कि हमारे घर में लड़ाइयां बहुत होती हैं, बहुत क्लेश होता है, तो आपको दही का लेपन करके और एक लोटा शुद्ध जल उसी दही के ऊपर समर्पित करके महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मूल मंत्र बोलना होगा। आपके घर की जो भी लड़ाइयां होंगी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। क्योंकि भैया इस काम को कब करें, किसी भी विशेष पर्व पर, चाहे एकादशी पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए, जिस भी दिन आपकी इच्छा हो कर लेना, ठीक है? पहली चीज समझ में आई, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, ठीक? पहला काम समझ में आया। दूसरी हम लोग बात करते हैं दूध का, है ना? क्योंकि भैया दूध चढ़ाने से क्या होता है, देखो अगर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आपको गौ माता का यानी कि गाय का दूध लेना होगा, वो भी कच्चा दूध। कच्चा दूध का मतलब वो दूध गर्म किया हुआ बिल्कुल ना हो, ठीक है? दूध को लेना, कुछ मिलाना नहीं है, जैसे भी दूध आपको मिल जाए दूध लेना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, महादेव से प्रार्थना करना, हमारे घर में धन संपदा की कमी बहुत रहती है, आप उसको पूरा कर दें। दूध को समर्पित करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जिस जगह पे आपने दूध को समर्पित किया है उसी जगह पे आपको उस जल को भी समर्पित करना होता है। किसी विशेष दिन जो भी व्यक्ति दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध समर्पित करता है और एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करता है, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, ठीक है? दो चीजें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, शहद, है ना? आज के टाइम पे लोग सबसे ज्यादा तो बच्चों को लेके परेशान हैं कि भैया हमारे जो बच्चे हैं इतना ज्यादा क्रोधी हैं, इतना गुस्सा करते हैं, कुछ भी कहो तो चिल्लाने लगते हैं, कोई बात सुनते ही नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है ना, क्या करना, शहद लेना, एक चम्मच शहद लेना, ज्यादा लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एक चम्मच शहद लेना और उस शहद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने बच्चे से समर्पित करवाना, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से एक चम्मच आपको शहद समर्पित करना, ठीक है? समर्पित हो गया, उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जिस जगह पे शहद समर्पित किया है हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके, उसी जगह पे हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके एक लोटा जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना। धीरे धीरे करके आपके बच्चे का जो भी दिमाग होगा अलग जगहों पे जाता है या फिर बहुत गुस्सा करता है, वो ठीक जरूर होगा, ठीक है? बात करते हैं चौथे उपाय की, जो कि आपको घी से करना होगा, है ना? घी से आज के टाइम पे क्या होता है ना कि लोग इतने ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, दवाई तो इतनी खा रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे लग जा रहे हैं, लोग परेशान है, भैया डॉक्टर तो हमारा पूरा पैसा ही खा जा रहे हैं, हम क्या करें? देखो अगर आपके यहां बीमारियां बहुत हैं, एक चम्मच क्या करेंगे, घी लेना, ठीक है? एक चम्मच घी लेना और घी को क्या करेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना, जितनी अच्छे तरीके से लेपन कर सकते हो, 2 मिनट 4 मिनट लेपन करना। लेपन करते टाइम ही जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना और महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान है अपनी बीमारी को लेके, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें, ठीक है? इस तरीके से प्रार्थना करना और एक लोटा शुद्ध जल जिस जगह पे घी का लेपन किया है उसी जगह पे एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। धीरे धीरे करके आपके घर की जो भी बीमारियां होंगी महादेव दूर जरूर करेंगे, ठीक है? चार चीजें समझ में आई। पांचवी बात करते हैं शक्कर, है ना? देखो आज के टाइम पे क्या है ना कि लोगों के पास पैसे आते तो हैं लेकिन खर्च कब होते हैं, यानी कहने का मतलब कि माता लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन रुकती नहीं है, जैसे ही पैसे आए तुरंत गायब, पता भी नहीं चलता आपको कि पैसे कहाँ गए। उसके लिए क्या करना होगा, एक चम्मच आपको चीनी, जिसको हम लोग शक्कर बोलते हैं, अगर ये नहीं मिलता तो मिश्री भी ले सकते हैं, ठीक है? लेना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस शक्कर से, चीनी से लेपन करना, ठीक है? लेपन करते समय आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे, हमेशा हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, ठीक है? इस तरीके से कामना करना और उसी शक्कर की जगह पे एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना।
महादेव आप सभी के घर में हमेशा धन संपदा बनाए रखेंगे, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, कहोगे भैया एक बात बताओ, क्या इन सभी चीज़ों को हम एक साथ नहीं चढ़ा सकते, आप अलग अलग बता रहे हो। मेरे अलग अलग बताने का पर्पज़ ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि अलग अलग चीज़ों को चढ़ाने से आपके जीवन में कौन कौन सी बदलाव आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो दही, दूध, शहद, घी और शक्कर, ये पाँचों क्या है, एक पंचामृत हैं। तो आप चाहें तो इनको मिक्स करके भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन कर सकते हैं। चाहें तो अलग अलग चढ़ा दें या फिर मिक्स चढ़ा दें, ठीक है। बात आई समझ में? तो एक छोटी सी जानकारी आप सबको देनी थी, मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।